तमाड़ थाना क्षेत्र के देवड़ी मंदिर के समीप युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे। 9mm पिस्टल के साथ तमाड़ पुलिस ने युवक को दबोचा। रांची SSP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। बुंडू DSP और तमाड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 9mm पिस्टल और एक बुलेट के साथ एक युवक को धर दबोचा गया। बुंडू SDPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एक बहुत ही साथी अपराधी जिसका नाम रमन बागची है, जो अड़की थाना के भूसुडी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी 25 तारीख को देवी मंदिर कैंपस के आसपास से हुई। सीनियर SP सर को सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र में किसी से रंगदारी मांगने और कुछ गंभीर अपराध करने के उद्देश्य से वहां पर घूम रहा है। इस क्रम में सूचना प्राप्त होती ही मैं और थाना प्रभारी तमार दीपक, SI मनिंदर शर्मा, SI साजिद खान, SI यशवंत कुमार और हमारे थाने की टीम, हम लोगों ने टीम तैयार करके त्वरित कार्रवाई करते हुए उस कैंपस को चारों तरफ से हम लोगों ने घेर लिया और बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से हम लोग भीड़ में जाकर उस व्यक्ति की पहचान कर रमन बच्ची को हम लोगों ने पकड़ा। और वह व्यक्ति 2008 में से ही अपराध करता रहा है। 2012 में उसने हथियार रखने और चोरी की बाइक करने में वह तमाड़ थाने से जेल गया था। और इस बीच में वह जमीन विवाद, लोगों से रंगदारी वसूलता था। और 2020 में सरायकला क्षेत्र की कंपनी में लेबर सप्लाई के मामले को लेकर राजू महतो से झगड़ा हो गया था और उसको लेकर उसने राजू महतो की हत्या कर दी। फिर वो गिरफ्तार हुआ था और 9 महीने जेल रहने के बाद वो अभी हाल ही में जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलने के बाद वो कई लोगों से रंगदारी मांगने की जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जो दूर दराज जंगली क्षेत्र में जो अफीम की खेती होती है, वहाँ से भी लोगों को धमका के वहाँ से भी पैसे वसूलने का कार्य कर रहा था। हम लोगों ने काफ़ी दिन से हम लोग इसको तलाश कर रहे थे और छोटे मोटे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ भी इसकी साठगांठ रही है। चौका और सरायकेला क्षेत्र के कई ऐसे अपराधकर्मी हैं जिसके साथ ये पूर्व में भी जेल गया है, उसके भी संपर्क में था। और अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो संदेह आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। और इसके लिए हम तमाड़ थाने की हमारी टीम को उसको बहुत अप्रिसिएट करते हैं। साथ ही सीनियर SP सर को जो इस टीम में जो भी पदाधिकारी हैं उसको पुरस्कृत किए जाने की अनुशंसा की जाए। इसके पास से 9mm पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद हुई है और सूचना प्राप्त हुई कि वह वहाँ के किसी व्यक्ति को ढूंढने के उद्देश्य से ही आया था। और अगर इसकी गिरफ्तारी पुलिस हम लोग समय पर नहीं करते तो निसंदेह किसी घटना को अंजाम दे सकता। किसी संगठन के लिए भी काम करता था या कुछ संगठन बना रहा था? ये छोटे मोटे जो अपराधी किस्म के जो 20 साल से 25 साल के जो यंग यूथ लोग हैं, लड़के हैं, ग्रामीण, जो उनको बहला